हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग मेरे जिम को रिकॉर्ड व्लॉग होने वाला है। छोटा व्लॉग होगा, ज़्यादा होगा नहीं। वैसे मैं आज आपको मेरा वर्कआउट रूटीन बताऊंगा। तो आज हमारा बैक और बाइसेप डे, बेसिकली फुल डे। तो मैं आपको अंदर जो मेरे वर्कआउट प्रिंसिपल्स है जिसको मैं फॉलो करता हूँ वर्कआउट के लिए, मैं सब आपको बताऊँगा। अभी मैं जिम के अंदर जा रहा हूँ, आपको बता। तो ये है मेरा जिम। दैट्स माय जिम। सो जिम के अंदर आ चुका हूँ। थोड़ा एम्बैरेसमेंट है, पूरा जिम क्राउडेड है ये टाइम पे। तो एम्बैरेसिंग लग रहा है कि सबके सामने सब व्लॉग करूँ, रिकॉर्ड करूँ, बट देखते हैं जितना कवर होता मैं करता हूँ। तो बेसिकली आज फुल डे, तो बैक के लिए एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक वर्टिकल पुल, साके पुल लेने जैसे कहा है वैसा करूँगा। एक हॉरिजॉन्टल पुल, एक वर्टिकल पुल, हर एक के 3 सेट्स, फिर उसके बाद बाइसेप्स लगाएंगे। तो पहले वार्म अप के लिए पुलअप्स मार लेते हैं, थोड़ा पुलअप्स बताता हूँ। एक प्रो टिप दे देता हूँ आपको, हर सेट के बीच में आपको कम से कम 3 से 5 मिनट का रेस्ट मैंडेटरी है। और जब तक आप लेते रहिए आपको मसल प्रॉपर रिकवरी करा रहेगा पीछे सेट से। तो आपको हर सेट के बीच में 3 से 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेट रखना चाहिए। वर्टिकल पुल हो चुका है, 3 सेट वर्टिकल पुल के 3 सेट हो चुके हैं। फिर हॉरिजॉन्टल पुल के लिए मशीन रोक के 3 सेट मारूंगा और यहाँ पे जुम्बा स्टार्ट हो गया। बंद हो गया है जुम्बा करने का, लेकिन पहले वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। Gracias.
बैक वर्कआउट हो चुका है, अभी जा रहे हैं हम बाइसेप्स में। बाइसेप्स के लिए हम 2 या 3 वेरिएशन करेंगे, एक प्रेशर कल का, एक डंबल कल का और एक हैमर का। पहले आप ये जिम देख लीजिए, यहाँ पे यहाँ का जिम और यहाँ पे आप करेंगे प्रेशर कल। हमारे पास आ गए, वो अकाउंट खत्म करते हैं। तो वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, वर्कआउट होने के बाद एक क्विक पोस्ट वर्कआउट मिल लेने मैं चेंबूर का ओहो शर्मा में आया हूँ। आप देख सकते हैं ये ओहो शर्मा में आके फटाफट शर्मा खाते, इसके पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन रिच मील ले लेते हैं, फिर घर आके अपना वही प्रोटीन पी लेंगे, डिनर करेंगे और फिर आज का डे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई और टिप्स चाहिए तो। और माशाल्लाह बोलिए मेरे बॉडी पे और दुआ कीजिए कि मैं और अच्छी बॉडी बना पाऊँ। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।